Hey guys, welcome back to my channel. So today I'll be sharing with you 5 super easy different kajal looks which you can apply in daily basis or as party look also. So let's jump onto the video. Here I'll be using the Maybelline Drama Gel Eyeliner and the felt tip of a different eyeliner which I'm having. You can also use any brush. For the first look, we will be drawing simple liner in the lower waterline. इस लुक को क्रिएट करने के लिए अपने स्किन को थोड़ा सा नीचे की ओर खींच ले ताकि लोअर वाटर लाइन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए और फिर काजल को एज अ लाइनर नीचे की वाटर लाइन पे अच्छी तरह से आप ड्रॉ कर ले और वैसा करने के बाद आप एक पतली सी ब्रश ले इस तरह की ब्रश और उसको अपने काजल को अच्छी तरह से उसे स्मज कर ले और फिर भी आप अपने स्किन को थोड़ा सा नीचे की ओर कर सकते हैं ताकि आप ये काम जो कर रहे हैं ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट आपको दिख जाए। ये सुपर इजी लुक आप अपने डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड लुक पर। इसके लिए मैं थोड़ा सा और काजल ले रही हूँ वही सेम फेल्स टिप पर और उससे मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर पर एक हल्का सा विंग ड्रॉ करने वाली हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आईज को ओपन अप भी करेंगी और आईज थोड़ी सी बड़ी भी लगने वाली है और नीचे के वाटर लाइन पे जहाँ पे मैंने काजल को स्मज किया था वहाँ पे मैं काजल को अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा और ताकि ये आईज को थोड़ा सा बोल्ड लुक दे और फिर मैं आउटर कॉर्नर पर एक हल्का सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ। इस विंग को ड्रॉ करने के लिए मैं आईज के बराबर थोड़ा सा फेल्ट टिप को बाहर की ओर खींच के लेके जा रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर काजल को थोड़ा सा और मैं इंटेंसिफाई कर रही हूँ ताकि लुक प्रोमिनेंट लगे। बस कंप्लीट हो गई है हमारी सेकेंड लुक और ये वाली लुक भी बहुत अच्छी लगी। आप डेली बेसिस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई पार्टी लुक के हिसाब से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है। अब आती हूँ मैं थर्ड लुक पे। इसके लिए मैंने काजल को थोड़ा सा ले लिया है फेल्ट टिप पर और अपने अपर वाटर लाइन पर मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। पूरे ही अपर वाटर लाइन पर मैं एक हल्का लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। फिर मैं उसी ब्रश को यूज करके अपर वाटर लाइन पे जहाँ पे मैंने काजल को ड्रॉ किया था वहां पे मैं इसको स्मज आउट कर देने वाली हूँ ताकि एक ब्लर्ड एक थोड़ा सा कम इंटेंसिफाइड लुक दे सॉफ्ट लुक दे दे मुझको। ये थोड़ा सा आप अच्छी तरह से टाइम लेके ब्लर करें ताकि ये एक स्मज्ड आउट लुक दे आपको। देख सकते हैं कितनी प्रीटी लुक है। हमारे फोर्थ लुक पर और इस लुक के लिए मैंने काजल को थोड़ा सा और ले लिया है और अपर वाटर लाइन पर मैं काजल को अप्लाई करने वाली हूँ जहाँ पे मैंने पहले वाले लुक पर स्मोक आउट कर दिया था लेकिन इस लुक पर मैं एक बोल्ड लाइनर लुक देने वाली हूँ काजल से। तो अपर लाइनर पर भी मैं अपर वाटर लाइन पर भी मैं इसको ड्रॉ कर लेने वाली हूँ और फिर मैं लोअर वाटर लाइन पर भी ड्रॉ कर लेने वाली हूँ एक इंटेंस लुक देने वाली हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ एंड द लास्ट लुक। इस लुक के लिए आप थोड़ा सा काजल को ले ले फेल्ट टिप पर और अपने क्रीज एरिया के नीचे मतलब आउटर वी पर थोड़ा सा काजल अप्लाई कर ले जहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया आप पिक्चर में देख ले। इसको परफेक्ट होने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जिस जैसे तैसे भी लगा ले लेकिन फिर आप ब्रश के सहारे इसको थोड़ा सा स्मज आउट कर ले अच्छी तरह से और क्रीज लाइन के तरफ इसको खींच ले। एक चीज़ को ध्यान में रखें कि आप जब इसको आउटर वी पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप जब स्मज आउट कर रहे हैं तब इसमें कोई हार्श लाइन ना हो, आप अच्छी तरह से टाइम लेके स्मज करें और इसको अपनी क्रीज लाइन की तरफ खींचते हुए लेके जाएं जैसा मैं कर रही हूँ वीडियो पर। ये आपको एक अच्छा सा होलोग्राफिक लाइनर का लुक देती है जो आप काजल के सहारे कर सकते हैं अगर आप आई शेडो नहीं लाए हैं या फिर आप आई शेडो लगाना नहीं चाहते हैं लेकिन आप एक ड्रामेटिक लुक देना चाहते हैं अपने आईज़ को तो आप ये वाला टेक्निक ज़रूर अप्लाई करें। ये आपके आईज़ को एक अच्छा सा ड्रामा देती है और एक बिगर आईज़ की इल्यूशन भी देती है और ये बहुत ही ट्रेंडी लगती है। तो हमारी फिफ्थ लुक कंप्लीट है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, एक ड्रामेटिक लुक दे रही है और आईज़ को बड़ा भी कर रहा है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।